Hi guys, welcome back to my channel Fashion and Lifestyle with Tanushree and I hope you all are doing well. And today मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेशियल किट की रिव्यू. लाइक समर टाइम पे फेस को थोड़ा आई मीन थ्रू आउट द ईयर ही हमें अपनी फेस की केयर करनी चाहिए, लेकिन समर टाइम में बहुत ज़्यादा यू नो स्वेटिंग होता है तो फेशियल बहुत ही रिलैक्सिंग होती है. तो अगर आप घर बैठे बैठे फेशियल करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो आज गुडनेस की अ वाइड रेंज जिसमें आपको बहुत टाइप की फेशियल किट मिल जाएगा. तो उनमें से मैंने एक ट्राई किया था पपाया फेशियल किट. तो उसका पूरा एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई भी फेशियल किट खरीदने में, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम आप सोचने में लगा रहे हो तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लो, तो आपका सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा. तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हो तो, और उसके पास जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा. तो चलिए विदाउट गिविंग एनी फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट. दिस इज अल्प्स गुडनेस पपाया फेशियल किट एंड इट कॉल्स इट एंटी ब्लेमिश फेशियल किट. पपाया एंटी ब्लेमिश फेशियल किट है ये अल्प्स गुडनेस की. एंड इसमें आपको स्टेप्स लिखी हुई है. तो इस तरीके की आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है. टोटल यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा आई थिंक 36 ग्राम का यहाँ पे आपको नेट प्रोडक्ट मिलेगा. एंड इस तरीके का कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको रिसीव होगा. ऐसी बहुत सारी वेरिएंट अल्प्स गुडनेस की अवेलेबल है purple.com पे. तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ. तो इस तरीके का कुछ अलग अलग स्टेप्स आपको दिया जाता है. इसमें नंबर्स लिखा हुआ है, एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा हुआ है, जैसे कि 4 ये रहा, 5 देन 3 2 1 इस तरीके का दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू द नंबर आपको इसको अप्लाई करते जाना है. तो मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसका डेमो भी दिखाने वाली हूँ और इसका आफ्टर इफेक्ट भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो बनी रहिए इस वीडियो में मेरे साथ. तो नंबर 1 उठा लेते हैं. तो नंबर 1 ये है और मैं पहले बता देती हूँ क्या क्या है इसमें. तो सबसे पहले नंबर 1 पे है क्लींजर, पपाया एंटी ब्लेमिश क्लींजर. एंड देन 2 पे है हमारे पास यहाँ पे स्क्रब. 3 पे हमारे पास है टोनर. 4 पे आपको मिलेगा यहाँ पे क्रीम, मैसेजिंग क्रीम मिलेगा. एंड 5 में आपको मिलेगा पिल ऑफ मास्क. तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंटी ब्लेमिश, आपको एक ब्लेमिश फ्री फेशियल के लिए, लाइक एक एकदम ब्राइट फेशियल के लिए. पपाया बहुत ब्राइट करता है स्किन को, बहुत अच्छा होता है, हेल्दी स्किन प्रोवाइड करता है. तो आपको हेल्दी ब्राइट ब्लेमिश फ्री स्किन पाने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो देखते हैं इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है और 1 by 1 मैं स्टेप्स भी अप्लाई करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्टेप से. अच्छा, तो मैं इसका प्राइस बताना भूल गई. इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी. आई थिंक ये 100 rupees के अंडर ही था या 120 ऐसा कुछ प्राइस था इसका. वैसे अल्प्स गुडनेस की सारी प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी की होते हैं. सो या तो नंबर 1 है यहाँ पे क्लींजिंग वाला स्टेप और आप देख सकते हो इसका जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा सा वाइट थिक कंसिस्टेंसी है एज यू कैन सी. और क्लींजर मैं एक्चुअली थोड़ा सा लाइट और जेल टाइप का प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन. तो ये थोड़ा सा यू नो लेदर कर रहा था, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा थिक था, क्रीमी कंसिस्टेंसी का था. तो इस तरीके से मैं इसको अप्लाई करके थोड़ा मसाज कर लूँगी एंड देन आई विल वॉश इट ऑफ. तो सेकेंड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग का. आप देख सकते हो इसका भी कंसिस्टेंसी लगभग सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ पार्टिकल्स है जो आपका डेड स्किन को रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा. अदरवाइज कंसिस्टेंसी थोड़ा क्रीमी है एज यू कैन सी. अब मैंने वॉश कर लिया, अब मेरा स्किन थोड़ा सा क्लीन लग रहा है. देन थर्ड स्टेप है टोनिंग का. और टोनिंग का जो टोनर का जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा सा जेल टाइप का है, आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट जेल टाइप का.
और यहाँ पे टोनिंग का जो प्रोसेस बोला गया था, आपको इसको अच्छे से मसाज करना है अपने पूरे फेस पे 2 to 3 minutes, एंड देन आपको वाटर से वॉश नहीं करना था, आपको एक कर्टन बॉल से इसको वॉश कर लेना था, ऐसा ही लिखा गया था। तो मैं बस इसको थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ जैसा आप लोग देख रहे हो, एंड देन इसके बाद मैं इसको एक कर्टन की हेल्प से वॉश करूँगी जैसा आप लोग देख रहे हो। मतलब इसको बस मैं पैड ड्राई कर लूँगी, वाटर से वॉश नहीं करना था, तो मैंने बस वही स्टेप्स फॉलो किया। सो गाइस, 4 स्टेप है हमारा मैसेजिंग क्रीम का। अब इसको मुझे मैसेज करना है इस क्रीम को, तो मैसेजिंग क्रीम है, इसका भी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेम है वाइट कलर का, बट इसमें मुझे थोड़ा इरिटेशन हुआ, लाइक मुझे ऐसा फील हुआ जो 1st स्टेप में क्लींजर था बिल्कुल मैसेजिंग क्रीम वही है। इसको जब मैं मैसेज कर रही थी ना, एक तो आप देख सकते हो वाइट पैचेस पड़ गया, एंड मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, उतना प्लेजेंट नहीं था। देन इसी के ऊपर हमें 5th स्टेप लगाना था, जो कि ये पिल ऑफ मार्क्स आप देख सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट का है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, लाइक इससे बिल्कुल पपाया वाला स्मेल आ रहा था, तो इसलिए इसको अप्लाई करने में मुझे अच्छा लग रहा था। बट 4th स्टेप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, काफ़ी इरीटेटिंग था। तब इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इसको आपको ड्राई होने तक का वेट करना है, देन आपको पिल ऑफ कर लेना है। सो गाइस, पील ऑफ मास्क लगाने के बाद, मतलब पील ऑफ करने के बाद मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया ताकि जो भी थोड़ा बहुत पार्टिकल्स बाकी रह गए थे फेस पे वो निकल जाए। एंड उसके बाद आप देख सकते हो मेरा फेस कैसे दिख रहा है, लाइक ऐसा थोड़ा सा ब्राइटनेस आया है फेस पे, थोड़ा सा फ्रेश सा फील हो रहा है। बट गाइज, ये जो पील ऑफ मास्क है, पर्सनली मुझे पील ऑफ मास्क सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस पूरे 5 स्टेप में। बट पील ऑफ मास्क काफ़ी लाइट है, लाइक लाइट इन द सेंस मैं ये बोल रही हूँ कि कोई फेशियल हेयर, अगर मेरा भी थोड़ा बहुत फेशियल हेयर यहाँ पे था, मैं देखना चाहती थी कि इससे रिमूव होता है या नहीं, बट ना, इससे आपका हेयर कुछ भी रिमूव नहीं होगा इस पील ऑफ मास्क से। बट हाँ, आपकी फेस की डॉट पॉल्यूशन, आपकी टायर्डनेस ज़रूर रिमूव हो जाएगी, ब्लैक हेड्स वगैरह भी थोड़ा बहुत रिमूव हो जाएंगे, तो ऐसा ही मुझे लगा। बट बहुत अच्छे से ब्लैक हेड या हेयर जो होते फेशियल हेयर छोटे छोटे जो इस साइड पे या ऐसे, ये सारी चीज़ें रिमूव नहीं होंगे ये पिल ऑफ मार्क्स से। सो या, बट पिल ऑफ मार्क्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी, एकदम पपाया वाला स्मेल आ रहा था क्योंकि ये पपाया फेशियल किट था, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो या, अब देख सकते हो आफ्टर इफेक्ट काफ़ी, लाइक मुझे ऐसा लगता है जो ड्राई स्किन वाले हैं इसको बिल्कुल आँखें बंद करके ट्राई कर सकते, बिकॉज ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग सा एक प्रोसेस था जो मुझे फील हुआ, लाइक क्लींजर से स्टार्ट करके पूरा प्रोसेस काफ़ी मॉइस्चराइजिंग था, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और ऑयली स्किन वाला आप देख सकते हो, मैंने ट्राई करा है, बट द थिंग इज़ कुछ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि मुझे मेरा स्किन ऑयली है, सो दैट्स वाई आप देख सकते हो इसके बाद भी मैंने कोई यहाँ पर मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करा इसके बाद, बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ ही नहीं अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग सा लग रहा है। ये अच्छी बात है, ये ख़राब बात नहीं है, बट कुछ स्टेप्स मुझे जो अच्छे नहीं लगे वो मैं ऑलरेडी आपके साथ साथ बता चुकी हूँ आपको कि क्या क्या फील हुआ, कैसा कैसा। तो या तो इसकी जो रिएक्शंस मैं आपको बताऊँगी तो वो मिक्स्ड ही होगा, आप देख सकते हो ठीक ठाक है, लाइक नॉर्मल है, जैसे एंटी ब्लेमिश किट बोला गया है, तो आई डोंट थिंक ये बहुत 100% इफेक्टिवली आपको एकदम ब्राइट सा लुक दे देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ अप्लाई करने के बाद। बट हाँ, ये एक क्लीन अप प्रोसेस के लिए काफ़ी सही है, आप अगर वीकेंड में आपके फेस को थोड़ा सा क्लीन करना चाहते हो, पैम्पर करना चाहते हो, तो उसके लिए बिल्कुल सही है और अफोर्डेबल भी है ये, तो आप ट्राई कर सकते हो। बट वो बहुत अच्छे से ग्लो या बहुत अच्छा कुछ, लाइक एकदम बहुत फेशियल करने के बाद जैसे एक अलग सा ग्लो आ जाता है, उतना ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगा। आई डोंट नो, कभी कभी ऐसा होता है ना फेशियल वगैरह करने के बाद थोड़ी देर बाद आपका स्किन अच्छे से लाइक ग्लो करता है, तो आई डोंट नो दैट, अभी तो मैंने अभी किया है एंड इसका आफ्टर इफेक्ट मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा है। बट जैसे कि मेरा ऑयली स्किन है तो मुझे काफ़ी ऑयली सा महसूस हो रहा था हर स्टेप में, तो दैट्स
वाई थोड़ा सा उसका हैंग ओवर मेरा रह गया, ऐसा लग रहा है कि पूरा ऑयली सा लग रहा है। तो ये वाला एक है, हाँ अच्छे से मुझे अलग से कोई और मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करना पड़ा, विच इज़ गुड, बट फिर भी मतलब मेरा मिक्सड रिएक्शन है इसको। अगर मैं मार्क करूँगी आउट ऑफ 5 तो आई थिंक आई विल गिव 3.5, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा अकॉर्डिंग टू माई स्किन टोन। सो या